अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है ब्यूटी टिप्स के हवाले से बात करूँगी और मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो कि मुझे भेजे गए हैं गोल्डन टच और अजवा एक कंपनी है उसकी तरफ से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो गोल्डन टच है, गोल्डन टच का ये फेस वॉश है, आप इसको देख सकते हैं। फेस वॉश है ये, मैन और वुमेन दोनों के लिए ही है। एक्नी को दूर करता है, स्कार को, फ्रैकल्स को और रिंकल्स को ये दूर करता है। ये मैंने खुद भी यूज़ करके देखा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है गोल्डन टच की क्रीम। गोल्डन टच की ये जो ब्यूटी क्रीम है इसमें सीरम भी है और क्रीम भी है। इसकी पैकिंग खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। जी हाँ, हमारे पास गोल्डन टच की क्रीम है और इसका साथ में सीरम भी है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी क्रीम को ओपन करना है और इसके में ये सीरम मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। नाइट क्रीम है तो आपने इसको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि बाहर निकलते वक्त नहीं लगाना, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आया है और गर्मियों के मौसम में कोई भी नाइट क्रीम जो है वो आप बाहर नहीं लगाया करें और ना ही आप उस वक्त लगाया करें जब आपको पता हो कि आपने किचन में काम करने हैं। जी हाँ, इसके बाद हमारे पास है अजवा ब्यूटी क्रीम। और अजवा ब्यूटी क्रीम है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, कील, छाइयाँ, दाग धब्बे दूर करने वाली बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल किया है जी कि रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह ब्यूटी सोप से धो लें, बाद में क्रीम को चेहरे पर नरमी से लगाएं और मसाज ना करें, जिल्द को धूप और गर्मी से बचाएं। जी आपने कोशिश करना है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई भी जो क्रीम यूज़ करते हैं तो आप धूप में नहीं जाएंगी, और कोई भी क्रीम जब आप यूज़ करती हैं तो आप ओहो, ये मुझे अभी पैकिंग भी नहीं खुल रही है। चलें हम पैकिंग खोल लेते हैं। हमारे पास अजवा का ये ब्यूटी सोप है, वाइटनिंग सोप है, और ये क्या करता है कि आपके स्किन को यंगर बनाता है और स्पॉट फ्री बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। अजवा का सोप है, इसको हम इसकी पैकिंग खोलते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप का सोप निकलेगा। जी ये देखिए, हमारे पास इस तरह का ये सोप दिखता है, ये अजवा का ब्यूटी सोप है। इसी तरह से अजवा का एक एंटी रैंकल सोप भी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अजवा का जो है वो हेयर ऑयल है, अजवा की स्किन पॉलिश है। अजवा का ही एक और सोप है, अजवा का एंटी एक्नी सोप भी मौजूद है और अजवा का गोल्ड ब्यूटी सोप भी मौजूद है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये मुझसे खुल जाए ताकि हम इसको देख सकें कि क्या इसमें भी कोई सीरम वगैरह है या नहीं है। तो जी ये आप देख सकते हैं, इसकी ये पैकिंग है और इसकी पैकिंग में सीरम तो नहीं है लेकिन ये क्रीम है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये आपको 3 दिन में गोरा कर देगी या कुछ भी ऐसा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये क्रीम अच्छी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ किया है। अजवा की नाइट क्रीम यूज़ की है और अजवा का सोप और इसका फेस वॉश मैंने यूज़ किया है। अच्छा, इसके साथ ही आपको बताऊँ कि जिस तरह से ये गोल्डन टच की हमारे पास फेस क्रीम है, इसी तरह से गोल्डन टच की हैंड और फिट क्रीम भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं, उसमें भी क्रीम भी है और सीरम भी। लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करूँगी, जो कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप इस नंबर पर रابطہ करके अपने ऑर्डर्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर करवाएं, और अगर आप मेरे चैनल का रेफरेंस देकर करवाएंगे तो उसमें आपको अच्छी सी कंसेशन भी मिल जाएगी। और इसके बाद एक और कंपनी है लेविस, जिसके हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, साशे में मौजूद हैं ये। और ये हमारे पास है जी लिक्विड मड मास्क, लेविस कंपनी है, इसका लिक्विड मड मास्क है। और मड मास्क को लगाने का क्या तरीका है कि मड मास्क को चेहरे पर एक जैसा लेप कर लें, चेहरे को हरकत ना दें, खुश्क होने पर चेहरे को पानी से धो लें, जिल्द को श्रिंक करता है, चेहरे से झुर्रियों को भी ख़त्म करता है। जी इसके अलावा हमारे पास लेविस कंपनी का फ्रूट स्क्रब है 2-in-1, और इसका भी ये हमारे पास तरीका इस्तेमाल दिया गया है। फ्रूटी स्क्रब मास्क को चेहरे और गर्दन पर लगाकर मसाज करना है और खुश्क होने की सूरत में उंगलियों को गीला करके दोबारा मसाज करना है। तो आप इसको 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं, आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, इसमें हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जी, है फेशियल एप्रिकॉट स्क्रब है। और एप्रिकॉट स्क्रब को चेहरे और गर्दन पर लगाकर मसाज करें और खुश्क होने की सूरत में उंगलियों को गीला करके दोबारा मसाज करें। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसे ये चेहरे पर से ये मैल को, मिट्टी को अच्छी तरह से साफ़ करता है और आपकी स्किन को भी गोरा करता है। जी हाँ, तो हमारे पास इसके बाद है एक और मास्क जिसका
नाम है वाइटनिंग स्क्रब मास्क। और वाइटनिंग स्क्रब मास्क को भी आपने चेहरे और गर्दन पर लगा के मसाज करना है, और जब वो खुश्क हो जाए तो उसके बाद दोबारा से अपनी उंगलियों को पानी से गीला करके दोबारा से लगाना है। ये एक कोशिश करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, कि ये ना हो कि ये मास्क जो है आपके चेहरे से ही गायब हो जाए जी। इसके बाद हमारे पास है ब्लैक हेड स्क्रब। ब्लैक हेड स्क्रब जो है वो क्या करता है, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। आपने थिन कोटिंग स्क्रब की जो है फेस के ऊपर करनी है और मसाज करना है जेंटली। जेंटली मसाज का मतलब ये होता है कि आपने नॉर्मली आराम से मसाज करना है, कुछ देर बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। चलते हैं वाइटिंग मसाज क्रीम की तरफ। वाइटिंग मसाज क्रीम आपने 2 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद जब ये हल्का सा खुश्क होने लगे तो आपने अपनी उंगलियों को गीला करके अच्छी तरह से इसका मसाज करना है और आपके चेहरे के मसामों में और स्किन पर जो भी जरासीम आमतौर पर नज़र नहीं आते हैं उनको जड़ से ख़त्म कर देती है। फेशियल क्लिनजिंग मिल्क। फेशियल क्लिनजिंग मिल्क लेविस कंपनी का, और इसका भी जो हमारे पास तरीका इस्तेमाल मौजूद है। तरीका इस्तेमाल क्लिनजिंग मिल्क है, तो इसका मतलब कि आपने इसको क्लिनजिंग करनी है। इसके साथ रंगत को निखारता है और साथ साथ मेकअप के असरात को भी ख़त्म करता है। जी हाँ, हमारे हाँ ये बहुत ही बड़ा एक इफ़ेक्ट है कि हम मेकअप करते हैं और जब हमने मेकअप को वॉश करना होता है तो हम सिंपल जाके किसी भी फेस वॉश से या फिर हम साबुन से मुंह धो लेते हैं। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपना मेकअप उतारने के लिए आपने फेशियल क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल करना है। आपने पहले हल्की हल्की क्लिनजिंग करनी है और उसके बाद आपने अपने मेकअप को रिमूव करना है। बाद में आप किसी भी फेस वॉश से, या अगर आप चाहें तो आप गोल्डन टच के फेस वॉश से भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं। हमारे पास एलोवेरा जेल मास्क है लेविस कंपनी की तरफ से, और एलोवेरा जेल के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। वैसे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पे कुदरती मिलती है तो आप उसको इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं तो फिर आप इस एलोवेरा जेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मुल्तानी मिट्टी है, और मुल्तानी मिट्टी इस पैकिंग में भी मौजूद है, लेकिन आप इस पैकिंग के साथ साथ कुदरती तौर पर अगर आपको वो मिलती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है जी इसी कंपनी का डबल एक्शन क्लिनजर। जी हाँ, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, खूबसूरत सी पिक्चर, एक खूबसूरत सा चेहरा, इसी तरह से हमारे चेहरे को भी ये खूबसूरत बनाता है। मैंने भी इसको यूज़ किया है और मैं इसलिए डबल एक्शन क्लिनजर के बारे में ये बातें कर रही हूँ। डबल एक्शन क्लिनजिंग को आपने हाथ पर लगाना, चेहरे पर लगाना है, गर्दन पे, और उसके बाद आपने अपनी उंगलियों से मसाज करना है। खुश्क होने की सूरत में चेहरे को आपने फिर से चेहरे पे और गर्दन पे हल्का हल्का सा पानी लगा के आपने दोबारा से फिर इसकी क्लिनिंग करनी है। डबल एक्शन क्लिनजर जो है ये बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और फिर हमारे पास है लेविस का गोल्ड मास्क, पील ऑफ मास्क भी इसको कहते हैं। आप इसको लगाएंगे किस तरह से, अगर आपका ये फेस है तो आप इसको जब लगाएंगे तो आपने इसकी डायरेक्शन इस तरह से रखनी है। लगाते हो यहाँ से आपने फोरहेड से इस तरह से लगाना है। जब आप यहाँ से लगाएंगे इस पोर्शन से तो आप इसकी डायरेक्शन यूँ रखेंगे, और इसको फिर आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये खुश्क हो तो इसको फिर यहाँ नीचे से करके ऊपर की तरफ उतार दें, यानी आपने अपोजिट डायरेक्शन में इसको उतारना है। गोल्ड मास्क भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोल्ड मास्क को मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसके बाद है जी स्किन पॉलिश। लेविस की स्किन पॉलिश है, ये बिल्कुल लिक्विड शेप में है। आप इसको ओपन करेंगे और आप इसको लगाएंगे। तरीका इस्तेमाल है जी स्किन पॉलिश को एहतियात से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। ब्रश की मदद से 12 से 15 मिनट के दरमियान में आप इसको वॉश कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसको एहतियात क्या करना है कि क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में केमिकल होते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप अपने चेहरे पे ख़ास तौर पे अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको आंखों के नज़दीक नहीं लगाया करें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसको फ़ौरन से उतार दें, या ज़्यादा गोरे होने की ख्वाहिश में कहीं ऐसा ना हो कि आपका चेहरा ख़राब हो जाए। इसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास है अर्जेंट फेशियल विद बीबी क्रीम। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने अर्जेंट फेशियल आपकी स्किन और चेहरे के लिए एक मुकम्मल मरकब है जिसमें फेशियल और बीबी क्रीम की खसूसियात शामिल हैं। तमाम खसूसियात आप इसकी पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको साथ साथ में बता भी रही हूँ कि अर्जेंट फेशियल जो है आपने इसको किस तरह से लगाना है और यह किस तरह से आपके जिल्द को सेहतमंद रखता है और ताज़ा रखता है और आपके चेहरे पर जो है वो चमक भी आती है। तो ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट, और अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आपके पास डिस्क्रिप्शंस में भी नंबर मौजूद है और इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। अगर इस वक्त नहीं आ रहा तो थोड़ी देर पहले आपको ज़रूर नज़र आया होगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं और आपको ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स और
आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब आप ये तमाम प्रोडक्ट्स या इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करें, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इन सारी चीज़ों से कैसा रिज़ल्ट मिला। इसके साथ ही एक स्किन पॉलिश है, मैं स्किन पॉलिश और उसके उसको किस तरह से आपने करना है ये तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं आप स्किन पॉलिश की तरफ। व्यूवर्स, मेरे पास सिल्की की स्किन पॉलिश है और सिल्की की स्किन पॉलिश हम करेंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए सिल्की की स्किन पॉलिश का पाउडर, उसका डेवलपर। चंद और प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, सॉफ्ट टच कंपनी का स्किन शाइनर, कोकोनट ऑयल और मेडोरा का पाउडर। अब ये हमारे पास डेवलपर है, 20 वॉल्यूम है, 6% है, और ये हमारे पास पाउडर है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जब आप इसकी पैकिंग को खोलेंगे, अब मैं इसको हैंड फुट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने पाउडर की और डेवलपर की मिकदार सेम रखनी है। पाउडर वाले कोई भी चीज़ जब आप ओपन करते हैं तो आप उसमें से पाउडर निकालें और उसके बाद फ़ौरन से उसको दोबारा से पैक कर दें, जैसे हमने अभी कर दिया है। उसके बाद अब हम इसमें डेवलपर डालेंगे उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में हमने इसमें पाउडर डाला था, और थोड़ा सा इसमें मेडोरा का पाउडर डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। 2-3 ड्रॉप हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा स्किन शाइनर मिक्स करेंगे। अगर आप यही स्किन पॉलिश अपने फेस पर करना चाहते हैं तो आपने पाउडर की मिकदार, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है यानी कि स्किन पॉलिश का पाउडर है, वो आपने थोड़ा डालना है और आपने उसमें डेवलपर ज़्यादा डालना है। अब हम चूँकि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर चुके हैं तो हम इसको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हम स्किन पॉलिश अप्लाई कर चुके हैं और अब तकरीबन 15 मिनट भी हो चुके हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो तो आप इसको पहले भी धो सकते हैं या स्पंज के साथ साफ़ कर सकते हैं। वाओ, इतना प्यारा सा रिज़ल्ट हमारे सामने है, और शायद कैमरा इतना ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी ये मैंने जब इसको किया था तो बिल्कुल वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा था, और इस वक्त भी अगर गौर से देखा जाए तो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। स्किन पॉलिश है, अच्छी है, लेकिन आप कोई भी न्यू चीज़ लेते हैं तो आप ये कोशिश किया करें कि जब आप कोई न्यू चीज़ लेते हैं तो उस वक्त आप उसको अपनी हैंड्स के ऊपर या सबसे पहले अपने फुट के ऊपर लगाया करें। इससे ये होता है कि अगर उसने कोई भी रिएक्शन करना होता है आपकी स्किन के ऊपर तो वो यहाँ पर कम रिएक्शन करता है। व्यूवर्स, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की जानिब, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ऑयल फ्लेम कंपनी का, और लेकिन ये हमें भेजा गया है कुरतुलैन की तरफ से। कुरतुलैन इंस्टाग्राम पर भी हैं और वो ऑयल फ्लेम की प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं ताकि मैं इनको यूज़ करूँ और उसके बाद मैं इनके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल के थ्रू इंस्टाग्राम पर जाकर कुरतुलैन को सर्च करके और उनसे ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं तो फिर आपको ये कंसेशन पे मिलेंगी चीज़ें। ये ओरिफ्लेम की कंपनी है, और आप जानते हैं कि ओरिफ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओरिफ्लेम की जानिब से कुरतुलैन ने आज हमें भेजा है शावर जेल, और सॉरी आज नहीं भेजा, वैसे काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो मैं बना नहीं सकी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें इन्होंने शावर जेल भेजा था, और शावर जेल को मैंने यूज़ किया है। इसके सबसे अच्छी जो है वो मुझे इसकी खुशबू लगती है, और अभी आपको तो महसूस नहीं हो सकती लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी है।
ओरिफ्लेम की शैम्पू है और ये आपके हेयर्स को जो है वो सॉफ्ट और सिल्की बनाती है। इसके अलावा बहुत सारी और वीडियोस भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर या अगर आप सर्च करेंगे तो। जी एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये हमारे पास जो शैम्पू है ये है 250 ml। आप कोई भी चीज़ जब ऑर्डर करते हैं तो आप कम से कम उसका ये ml ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं कि जी हमने महंगी चीज़ें ख़रीद ली हैं। वो इस वजह से भी होता है कि कुछ जगहों पर हम जब ये चीज़ नहीं देखते कि ये 20 ml है या 250 ml है या 200 ml है, तो उस वक्त उनके रेट्स में भी यकीनन फ़र्क होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ये यहाँ पर हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं और कहीं और हमें ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप इनके ml ज़रूर चेक किया करें। जी शावर जेल का जो ml इस वक्त है ये है 750 ml। तो मज़ीद आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप उनको उनसे पूछ सकती हैं कि ओरिफ्लेम की कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं। जी एक नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने हमें सेंड किया है, और वो प्रोडक्ट हमारे पास है जी हॉट ऑयल है फॉर ड्राई हेयर्स है, एंड वीट एंड कोकोनट ऑयल से मिलकर ये बना है। और इसका जो हमारे पास साइज़ है ये हमारे पास है जी 15 ml, यानी इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी वो 15 ml होगी ओरिफ्लेम की जानिब से है। और एक और चीज़ हमें जो कि क्रोथलैन ने भेजी हैं वो हेयर स्मूथी है, यानी कि ये एक स्क्रब ये 30 ml है। और हम इसको रीड करके फिर बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने इसको पैकिंग को खोला नहीं है और मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। हाँ जी ये हमारे पास बनाना हेयर मास्क है फॉर ड्राई हेयर के लिए। जी आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ये हमारे पास बनाना हेयर मास्क है ड्राई हेयर्स के लिए। हम इस हेयर मास्क को लगाएंगे और उसके बाद हम अपने हेयर्स को वॉश कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपने हेयर्स में फ़र्क महसूस होगा। हाँ एक दो दफ़ा लगाने से शायद इतना ज़्यादा नहीं फील होगा, लेकिन जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे 4-5 दफ़ा लगाएंगे तो फिर आपको फ़र्क पता चलेगा कि वाकई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को और आपके हेयर्स को सूट करती हैं या नहीं करती। तो मैं ये बताती चलूँ कि ये तमाम चीज़ें आप मेरे चैनल पर ही नीचे कमेंट कर सकते हैं। होपफुली क्रोथलैन जैसे ही इन कमेंट्स को पढ़ेंगी तो आपको फॉलो बैक पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर देंगी, या आप उनको इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पीआर की जानिब के हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें मिली हैं बहावलपुर से, और उनका नाम उनका नंबर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। याद रहे कि मैंने अपनी वीडियोस के 3 parts बनाए हैं और ये 3 parts जो हैं वो अलग अलग लोगों ने हमें भेजे हैं। मैंने वीडियो इसलिए एक ही बना दी ताकि आप लोगों को बार बार ढूंढने में या इस तरह से मुश्किल पेश ना आए। तो आपने ये देखना है कि जो वीडियो जब चल रही है उसके ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस नंबर पर कॉल करके वही प्रोडक्ट उनसे ले सकते हैं। हाँ लेकिन अगर आप किसी और प्रोडक्ट के लिए उनसे बात करेंगे तो शायद आपको वो प्रोडक्ट उतनी कंसेशन पर अवेलेबल ना हो जितना कि आप इनको कॉल करके कंसेशन इनसे ले सकते हैं। जी तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सनब्लॉक, एंड ये है जी वाइटनिंग के लिए होता है और वैनिशिंग के लिए है, वाटर रेजिस्टेंट है, एंटी डार्क स्पॉट है एंड एंटी डार्कनिंग है। और सनब्लॉक के नाम से ही हमें ऐसा लगता है कि ये जो है प्रोटेक्ट करेगा हमें सन की सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट श्वाओं से, और ये हमारी स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है। जी और ये हमारे पास है 150 ml। आप इसकी प्राइस को नेट पर भी चेक कर सकते हैं, और नेट पर चेक करने के बाद जो अभी मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगी आप इस नंबर पर भी कॉल करके अपना ऑर्डर को बुक करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डर्मा क्लीन एंड फीड मिल्क। इसकी मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर हमें ये दोबारा यही प्रोडक्ट मिल गया। ये तो मैंने वाकई यूज़ किया हुआ है, और इस वक्त भी एक और स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैंने इसके डर्मा फेड मिल्क हैंड फिट के लिए है ये, और इसके अलावा हमारे पास फेस के लिए भी है। इसकी पूरी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर वॉच करें, आप इसे यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसको भी यूज़ करती हूँ।
हमारे पास हैंड फूड के लिए जो है एक खड़ीसवा हैंड फीड क्रीम है, वाइटनिंग स्क्रब हम इसे भी बोल सकते हैं। स्क्रब इसलिए क्योंकि इस जब आप इस क्रीम को ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास एक छोटे छोटे से दाने नुमा जो हैं वो हमें मिलते हैं, और वो जो हैं आप इसको देख सकते हैं। ओहो, ये तो पैकिंग इसकी बात, ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से करिश्मा क्रीम इस तरह से निकलेगी, ठीक है। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो उसका यूज़ करने का बस यही तरीका है कि आप इसको इस तरह से हल्का हल्का स्क्रबिंग करेंगे। तो इस वक्त भी आपको मेरे हैंड में जो है वो फ़र्क लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्रीम लगाई है और यहाँ पे नहीं लगाई। तो खैर, ओ वाह, इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है, मुझे फ़ील हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई कर लूँ ना। तो वाकई ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो यकीनन इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा जी। तो आप करिश्मा हैंड फिट क्रीम भी लगा सकती हैं, और इसके अलावा हमारे पास हैंड फिट क्रीम है एक KE3N की जानिब से, प्रोडक्ट बाय KE3N ब्यूटी। तो ये भी एक हैंड फिट क्रीम है, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास इसमें ये किस तरह से निकलती है। ये भी तकरीबन इसी टाइप की है, हम इसको खोल कर चेक करते हैं। और इसकी जो पैकिंग है, चलें जी, ये हमारे पास ये इस तरह से निकलेगा। अच्छा, इसमें हम इसको पढ़ते भी हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये भी हमारे पास एक स्क्रब है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रब है। ये तो ये इस वजह से हमें इस तरह का नज़र आ रहा है, स्क्रब है, हम इसको लगा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे तो अच्छा, ये इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी सी ऐसी लग रही है जैसे वैसलीन से खुशबू आती है ना, इस टाइप की। तो ये भी मैं हल्की सी ये लगा लेती हूँ। तो आपने भी जब लगाना है तो बस इस तरह से हल्का सा लगा के थोड़ा सा स्क्रबिंग करनी है, और उसके बाद आपने अपने हाथों को छोड़ देना है। तो आप इस तरह से ये क्रीम्स लगा सकते हैं। और कोई भी चीज़ जब इस तरह की आप यूज़ करते हैं तो कोशिश क्या करें कि आप आग के करीब ना जाया करें और आप धूप में भी ना निकला करें। इसी वजह से शायद ये तमाम जो इस टाइप की क्रीम्स होती हैं हम उनको रात के टाइम में लगाते हैं। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं वो भेजी गई हैं बहावलपुर से, और मैं उनके शॉप का एड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनका फ़ोन नंबर भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग वहां पर जाके भी हमारी यूट्यूब की ये वीडियो उनको दिखाकर आप उनसे स्पेशल कंसेशन ले सकते हैं। उनके पास मेकअप के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि हमें उन्होंने ये हैंड फिट के हवाले से कुछ चीज़ें भेजी हैं तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोज़ वॉच करते हैं। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ भी है। ओ वाओ, हमारे पास करिश्मा फिट क्रीम में एक और चीज़ भी है। हाँ, करिश्मा क्रीम से निकलने वाला जो ये हमारे पास एक छोटा सा पैकेट है, ये पैकेट जो है ये सन रेस्क्यू है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सूरज से जो श्वाएँ निकलती है और गर्मी की वजह से ये जो आबो हवा चेंज हो जाती है तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइजिंग भी है, स्किन को ग्लो भी करता है। आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? अप्लाई जेनरस इवनली ऑन हैंड्स, फीट, नेक एंड आर्म्स टू इंश्योर मैक्सिमम यूवी प्रोटेक्शन। जी हाँ, अल्ट्रा वायलेट, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनसे, एंड री अप्लाई आफ्टर बाथ और एक्सेसिव स्वीटिंग। और जी बिल्कुल, अब आपने इसका तरीका भी पढ़ लिया। इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो करिश्मा क्रीम में हमें ये एक अच्छा सा लोशन भी मिल गया है जिसको हम लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, और अब आप अपने ऑर्डर्स बुक करवाएं, दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें, इंस्टाग्राम पर रابطہ करें और अपने ऑर्डर्स को बुक करवाएं। थैंक यू सो मच।